फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन करी। तो इसमें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और ये कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं ढाबे स्टाइल कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, इसको मीडियम साइज़ के साइज करवा लिए है चिकन के, और हमने 4-5 प्याज और लहसुन और अदरक इन सब चीज़ों को पीस लिया है। ये हमें तरी बनानी है, चिकन तरी। तो इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, और ढाबे स्टाइल में तरी बनाने के लिए तो प्याज और टमाटर जो है इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। और 2 बड़े टमाटर, काफ़ी बड़े टमाटर हमने उनकी भी तरी कर लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया और ये दही। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा कटोरा लेते हैं, एक बॉल ले लिया, इसमें हम अपनी सारी प्याज डाल लेंगे, और प्याज में हम डालेंगे जो अपना मीट मसाला है। मीट मसाला हमने कैट कर लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसमें हमें मसाले की क्वांटिटी काफ़ी करनी है, क्योंकि इसमें फालतू वैसे मसाले नीट कम डलते हैं, और ये मसाला थोड़ा ज़्यादा डलता है। अब इसमें हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम अपने चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन हम सारा एक साथ डाल देंगे। तो चिकन हमारा डल गया, अब इसको चला चला के अच्छे से मीडियम आंच पर इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। अब ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस तेल में से थोड़ा सा तेल हम साइड में निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेल हमें चाहिए नहीं, और ये जो रिफाइंड बच गया है ये किसी और सब्जी में ले लेंगे, थोड़ा निकाल लेते हैं। अब जो हमारी प्याज थी उसको डाल देते हैं, जिसमें हमने मसाला मिला के रखा था, सारी प्याज डाल देते हैं। इसमें हम अलग से कोई मसाले नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और बाकी जो इसका मसाला था मीट मसाला जो हम लेके आए थे, सिर्फ वही चलेगा, इसमें कोई अलग-अलग मसाला नहीं डलेगा। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 को तरी को अच्छे से पकाना है हमको, ताकि इसमें मिठास ना रहे, क्योंकि प्याज बहुत काफ़ी ली है हमने, तो प्याज में मिठास ना रहे, तो इसको अच्छे से पकाना है। अब इस प्याज हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम टमाटरों को पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से हमको पकाना है, और टमाटर के साथ ही हमें अपनी दही डाल देनी है, और दही और टमाटर दही डालने के बाद तुरंत ही इसमें हमने नमक डालना अपना। इसमें 1 चम्मच हमने पहले नमक डाला था, 2 चम्मच अब डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद अनुसार डाल ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से चलाना है, फिर से पकाना है इसको। आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम बाजार जैसी तरी इसकी तैयार हुई है, और जैसे बाजार में थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें तरी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम ढाबे स्टाइल बना रहे हैं। अब इसको ढक के पकाते हैं, ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं हम, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये तैयार हो रहा है करी। अब इसमें हम अपने पीस डाल देते हैं, और इसको अच्छे से फिर से पकाते हैं, और इसको फिर खोल के पकाना कुछ देर। चिकन हमने इसमें डाल दिया, अब इसमें हम पानी और डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से, जिस तरीके की आपको तरी चाहिए उस हिसाब से आप पानी पका सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी फूकेगा भी, इस हिसाब से हम मीडियम सी तरी इसमें कर लेते हैं, और इसको मीडियम आंच तक 10 मिनट तक पकना छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो फाइनली तैयार हो चुका है, कितनी अच्छी इसमें कलर आया, और तरी भी हमारी बहुत मीडियम साइज़ की बन चुकी है। हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं, और इसमें जो अपना धनिया था वो ऐड करते हैं, और जो हमने हरी मिर्च ली थी उसको भी ऐड करते हैं, और इसको चला के और बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं फाइनली हमारा चिकन करी तैयार हो चुकी है, कितनी बेहतरीन इसकी तरी बनी है, एकदम बाजार जैसी, जैसे ढाबे में बनते हैं। और आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।